सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका आज की रीजनिंग क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, कल जो हम टॉपिक चल रहे थे वो था रैंकिंग। हमने भाग एक देखा, आज हम भाग दो देखेंगे। तो देखिए, मैं पूरी उम्मीद है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट वन देखने के बाद वो प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम भाग दो देखेंगे। तो रैंकिंग, कल हमने देखा था कि रैंकिंग क्या होती है, उसके दो तरह के प्रश्न होते हैं। कल हमने स्टेटमेंट बेस किए, आज हम कंपैरिजन बेस प्रश्न करेंगे। तो देखिए, कंपैरिजन बेस में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन सम अदर क्वालिटीज सच एज हाइट, वेट, मार्क्स, एज। आपको इनके बेस पे कंपैरिजन कर कर जो वो मांग रहा है कि आपको हाईएस्ट पोजीशन वाला निकाल के देना है या लोवेस्ट वाला, तो वो फाइंड आउट करना होता है उस पर्सन को। कि जो मान लीजिए अब हमें हाइट दी हुई है कुछ लोगों की, और हमसे पूछ लिया जाता है कि इन सब में से सबसे लंबा कौन सा है, तो हमें वो कंपेयर करके उसके बेस पे आंसर देना होता है। इसी तरह मार्क्स, एज, किसी भी तरह के प्रश्न इस पर बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए इज़ टॉलर देन ई। तो आप हर स्टेटमेंट को जो वो बोल रहा है उसे साथ साथ लिखते रहिए। ए क्या है, टॉलर मतलब लंबा है ई से। फिर क्या कह रहा है, बी इज़ टॉलर देन डी, F is taller than C। उसके बाद क्या कह रहा है, D is taller than A। E is taller than F। तो देखिए हमने ये सारा लिख लिया जो वो कह रहा था। अब हमें बताना है कि इन सब में से लंबा कौन सा है। तो देखिए जो D है वो A से भी बड़ा आ रहा है। अगर हम इन्हें देखें, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, तो देखिए हमने पहले क्या लिखा, ए बड़ा है ई से, लेकिन अब डी क्या ई से भी, ए से भी बड़ा है, तो यहाँ आ गया डी। अब देखिए डी से बड़ा बी है, तो यहाँ हमारा आ गया बी। अब वो कह रहे हैं जो एफ़ है वो सी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, तो यहाँ एफ और ये सी, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि बी इनमें से सबसे बड़ा है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है जी, ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप स्क्रीन को पॉज करके इस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं जब आप वीडियो को देखेंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप सबको लिखा हुआ है कि पहली लाइन में उसने क्या कहा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और जब हम कंक्लूजन निकालेंगे तो हमारा कंक्लूजन कैसे निकलेगा। उम्मीद करती हूँ कि इस प्रश्न को देख के आपको मेथड पता चल गया होगा कि इस तरह के प्रश्न हमें स्टेप बाय स्टेप जैसे वो बोल रहे हैं वैसे सॉल्व करते जाने और बाद में उन सबको कंक्लूड करना है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम अपना। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, मीता इज़ टॉलर देन रीटा बट नॉट एज टॉल एज सोनी। तो इट मीन्स सोनी सबसे लंबी है इनमें से, पहले आई सोनी, फिर उसके बाद मीता के लिए हम एस ले लेते हैं। चलिए हम इन सब के लिए शॉर्टकट ही ले लेते हैं, एस सोनी टॉलर देन मीता, और मीता जो है वो किससे टॉलर है, रीटा से, आर आई लिख लेती हूँ रीटा के लिए। तो चलिए अब वो कहता है रीटा इज़ टॉलर देन सरिता, तो ये किससे टॉलर है, सरिता से, एस ए ले लेते हैं सरिता के लिए हम। ठीक है जी, अब कहते हैं सोनी इज़ नॉट एज टॉल एज रूपा, तो इट मीन सोनी से बड़ी कौन आ गई, रूपा, आर ओ ले लेते हैं इसके लिए। तो अब वो पूछ रहा है कि हु इज़ टॉलेस्ट अमंग देम,
तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सबसे लंबी इनमें से कौन है? रूपा। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है, आप इसे देखकर वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हैं इसे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम अपने। देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक 20 स्टूडेंट की क्लास में एक्स रैंक अबव वाई, हु रैंक बिलो एम। मतलब एम सबसे ज़्यादा रैंक है, एम इज़ ग्रेटर देन एक्स, और एक्स जो है वो वाई से बड़ा है, ठीक है जी। अब देखिए दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, एन रैंक अबव एक्स बट बिलो एम। तो वो क्या कह रहा है कि एन का जो रैंक है वो एक्स से ऊपर है लेकिन एम से नीचे है, एम ग्रेटर देन एन और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स। अब तीसरी लाइन में क्या कह रहा है, टी रैंक बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में कौन है? टी। तो यहाँ क्या आ गया हमारा? टी। तो अगली लाइन में क्या कह रहा है, वाई रैंक बिटवीन टी एंड एल, ठीक है जी। जो y है वो t और l के बीच में है। अब आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया है। देखिए अंडरस्टूड ये जो m है वो x से ज़्यादा है, तो x भी पीछे है उससे, तो जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका? m। बिल्कुल क्लियर हो रहा है अगर आप इस स्टेटमेंट को कंक्लूड करेंगे। तो देखिए इसे हम इस तरह से इसे कंक्लूड कर रहे हैं, हमने दिया m इज़ ग्रेटर देन x एंड y, फिर m इज़ ग्रेटर देन n एंड x, फिर x इज़ ग्रेटर देन t और जो t है वो y से ग्रेटर है, ऐसे ही जो t है वो y से बड़ा है और l से कम मार्क्स हैं। तो अब हम जब इसे कंक्लूड करेंगे तो m n x t y l, तो सबसे हाईएस्ट जो है वो है m। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम अपने। देखिए क्या कह रहे हैं उसमें ये, चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। तो वो कह रहा है कि जो क्रिकेट मैच है उसमें सचिन का स्कोर है मोर देन राहुल बट एज मैनी एज किरण। राहुल का जो सचिन का जो स्कोर है वो राहुल से ज़्यादा है पर किरण से कम है, तो किरण का सबसे ज़्यादा हो गया, किरण इज़ ग्रेटर देन सचिन, और सचिन जो है वो राहुल से ज़्यादा नंबर ले स्कोर कर रहा है। अब वो अगली लाइन में कहता है विनोद स्कोर लेस देन राहुल, मतलब जो विनोद का स्कोर है वो इससे कम है बट मोर देन गगन एंड आनंद, लेकिन किससे ज़्यादा है? जी और ए से, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं हु अमंग स्कोर लोवेस्ट, तो यही आंसर है गगन और आनंद। तो आंसर आपका ऑप्शन डी गगन और आनंद। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप स्क्रीन को पॉज करके आराम से इसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न 5। तो देखिए उसमें क्या कह रहा है, सुधीर जो है शॉर्टर है राम से, तो इट मीन्स राम बड़ा है किससे? सुधीर से, ठीक है जी। राम के लिए आर ए कर देते हैं क्योंकि उसमें दो हैं। तो अब वो कहते हैं राजन इज शॉर्टर देन प्रीतम, तो ये प्रीतम जो है वो बड़ा है राजन से, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं विजय इज शॉर्टर देन राम, जो विजय है वो राम से भी छोटा है, तो यहाँ पर विजय भी आ जाएगा। तो अब देखिए इन सब में से सबसे छोटा कौन आ रहा है, देखिए इसे हम दोबारा लिख लेते हैं, राम फिर सुधीर, विजय फिर सुधीर फिर प्रीतम
और फिर राजन। तो सबसे छोटा कौन है? राजन। तो ऑप्शन बी। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने अगला प्रश्न। ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको ये प्रश्न समझ आ गए या नहीं। बिल्कुल आसान है, बस आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते जाना है, उसे लिख के सॉल्व करते जाना है और बाद में उसे कंक्लूड करके आउटपुट निकाल लेनी है कि इस प्रश्न का ये उत्तर बनेगा। उम्मीद करती हूँ आज वाले प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगली एक नए